हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है सोरायसिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर सोरायसिस क्या होता है? तो सोरायसिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें पर्सन का जो स्किन सेल्स है वो रैपिडली ग्रो करने लग जाती है, स्किन थिक होने लग जाती है। इस कंडीशन में पर्सन को इन्फ्लामेशन और रेडनेस भी हो सकता है, स्केलिंग भी हो सकती है स्किन में। सोरायसिस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है और ज़्यादातर ये जॉइंट पर डेवलप होते हैं, जैसे कि एल्बोज़ और नीज़ में। इसके अलावा ये आपके हाथ, पैर, नेक, स्कैल्प या फिर फेस में हो सकते हैं। बहुत ही लेस कॉमन टाइप में ऐसा देखा जाता है कि सोरायसिस पर्सन को नेल्स में, माउथ में या फिर जेनाइटल एरिया के आसपास भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को सोरायसिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ऐसे पर्सन की जो स्किन है वो रेज्ड होने लग जाती है, वहाँ पे वाइट सिल्वर स्केल्स बनने लग जाते हैं, प्लेक का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन की स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है जिसके वजह से स्किन ईजिली क्रैक होने लग जाती है और वहाँ से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को सॉरनेस हो सकता है पैचेस के आसपास। ऐसे पर्सन को इचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन भी फील होने लग जाती है स्किन में। इसके अलावा पर्सन के नेल्स काफ़ी ज़्यादा थिक होने लग जाते हैं, उनको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उन्हें जॉइंट में पेन होना या फिर ऐसे पर्सन को जॉइंट में स्वेलिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को सोरायसिस होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को सोरायसिस हुआ है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी सेल्स को हार्म करने लग जाता है और आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सोरायनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम 30 मेडिसिन या फिर आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था सोरायसिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।